अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर क्लास टीचर, माय नेम इज़ अंबर। आज मैं आपको मैथ की वर्कशीट 3A एक्सप्लेन करूंगी। इस वर्कशीट में आपको यूनिट 4 मनी का काम दिया गया है। बुक का पेज नंबर 132, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 और पेज नंबर 134, क्वेश्चन 11 ये आपको बुक में ही सॉल्व करना है। बुक के पेज नंबर 132 पे क्वेश्चन नंबर 6 है, कन्वर्ट दीज इंटू पैसे ओनली, यानी आपको रुपीज़ दिए गए हैं, इनको सिर्फ पैसे में कन्वर्ट करना है। ये 62 रुपीज़ है 10 पैसे। तो हम रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल ये है कि पॉइंट को हटा देना है। ये 62 रुपीज़ 10 पैसे हैं, तो हम लिख लेंगे इस तरह से, पॉइंट को हटा देंगे, ये हो जाएगा 6210 पैसे। नेक्स्ट है 123 रुपीज़ 45 पैसे, हम पॉइंट को हटा देंगे, ये हो जाएगा 12345 पैसे। इसी तरह ये है 9 रुपीज़ 85 पैसे, हम पॉइंट को हटा देंगे, ये हो जाएगा 985 पैसे। बाकी सब इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट दिस इनटू रुपीज़ एंड पैसे। पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हमें पॉइंट लगाना होता है। पॉइंट कैसे लगेगा, 100 जो होता है वो 100 पैसे 1 रुपीज़ के बराबर होते हैं। अब ये है 725 पैसे, तो इसका मतलब है 7 रुपीज़ 25 पैसे, तो 7 रुपीज़ हैं, तो 7 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। ये है 1035 पैसे, तो इसका मतलब ये है 10 रुपीज़ 35 पैसे, तो हम 10 के बाद पॉइंट लगा देंगे। नेक्स्ट है 380 पैसे, तो इसका मतलब ये है 3 रुपीज़ 80 पैसे, तो हम 3 के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट। ये है 905 पैसे, तो इसका मतलब 9 रुपीज़ और ये 5 पैसे, तो हम 9 के बाद पॉइंट लगा देंगे। बाकी सब भी ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐड करना है आपको। जिस तरह से आप एडिशन के सवालात करते हैं, सेम इसी तरह से ऐड करना है। इसमें ये देखना है कि जितने नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ होता है, इतने नंबर के बाद आप पॉइंट लगा दीजिएगा। बुक के पेज नंबर 134 पे क्वेश्चन नंबर 11 है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। जिस तरह से सिंपल मल्टीप्लाई आप के सवालात आप करते हैं, सेम इसी तरह ये भी मल्टीप्लाई के सवालात आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें भी यही होता है, जितने नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ होता है, इतने नंबर के बाद पॉइंट लगा देना होता है। इसके बाद आपको वर्कशीट में कॉपी वर्क दिया गया है, ये सवाल आपको कॉपी में ही सॉल्व करना है। बुक के पेज नंबर 133 पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉल्व द फॉलोइंग, ये इसके एफ तक पार्ट जो है आपको कॉपी में सॉल्व करने हैं। ए और बी मैंने आपको वर्कशीट में सॉल्व करके दिया है, ये सिंपल माइनस के सवालात हैं। इसको जिस तरह से आप माइनस के सवालात करते हैं, इसी तरह से माइनस के सवालात आपको करने हैं। इसमें भी पॉइंट लगाना है आंसर में, जितने नंबर में के बाद आंसर हो, जितने नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ होता है आंसर में, इतने ही नंबर के बाद आप पॉइंट लगा दीजिएगा। इसके बाद बुक का पेज नंबर 134 है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी आपको कॉपी में सॉल्व करना है। इसके 2 पार्ट मैंने आपको वर्कशीट में सॉल्व करके दिए हैं, ये 2 भी आपको कॉपी में करना है, और बाकी के जो सवालात हैं वर्कशीट में एफ तक, वो भी आपको कॉपी में सॉल्व करना है। इसमें भी मल्टीप्लाई के सवालात हैं, जिस तरह से 3 डिजिट को 2 डिजिट में मल्टीप्लाई करने का जो मेथड है, वही मेथड यहाँ पर फॉलो होगा। इसमें भी जितने नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ होता है आंसर में, इतने नंबर के बाद पॉइंट लगा देना है। नेक्स्ट जो आपको कॉपी में काम करना है, वो डिवाइड के सवालात हैं। 2 मैंने इसी तरह से वर्कशीट में सॉल्व करके दिए हैं, बाकी 2 आपको इसी मेथड से कॉपी में सॉल्व करना है। नंबर ए है, 3 को डिवाइड करना है ₹3.85। अब 3 × 3 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 3 − 3 कुछ भी नहीं होता, 8 को हम नीचे उतार लेंगे, 3 × 2 = 6, 8 − 6 होगा 22 और 5 को उतार लेंगे, 3 × 8 = 24, 25 − 24 हमारे पास रिमाइंडर हो गया 1। आंसर में भी यही करेंगे, इसमें जितने नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ है हम ऊपर आंसर में इतने ही नंबर के बाद पॉइंट लगा लेंगे। सेम इसी मेथड से ये वाला सवाल भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी ये 2 सवालात भी आप सॉल्व कर लीजिएगा।